जय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 5 बूस्टर मॉड्यूल के साथ आईआईटी एग्जाम 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको खास बात बता दूं, अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम रियल एनालिसिस है, जिसमें अभी तक 4 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं और आज 5वां लेक्चर होने जा रहा है। तो अगर आप हमारे वीडियोस को पहले नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख आइए, तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 टॉपिक रहेगा एलिमेंट्री सेट थ्योरी। आज के जो टारगेट रहेगा, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाएंगे, फिर काउंटिंग ऑफ फंक्शंस पढ़ाएंगे, यानी कि कोई ए सेट है और कोई बी सेट है तो उसके बीच, दो सेट्स के बीच कितने फंक्शंस डिफाइन होंगे, वो सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस जो है कि आपके आईआईटी में, आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन में हमेशा हर बार देखा गया है, ठीक है ना। इसीलिए आज के इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस होता क्या है और इसी का दूसरा नाम क्या है, वन वन फंक्शंस। यानी कि एक आदमी का दो तो नाम हो ही सकता है ना। जैसे मेरा नाम एक जो ऑफिशियली नाम है वो है सचिन चंद्र, और घरेलू नाम, डोमेस्टिक नाम वो मेरा है देवाशीष। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक आदमी का दो नाम हो ही सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबू, इंजेक्टिव फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शंस भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस को हम लोग ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम लोग वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस कहते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस, और इन्वर्टिबल फंक्शंस यानी कि इनवर्स फंक्शंस। तो अभी आपने देखा कि फंक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 में पहला वन वन, जिसको इंजेक्टिव, दूसरा ऑन टू उसको सर्जेक्टिव, तीसरा वन वन एंड ऑन टू उसको बाइजेक्टिव, और चौथा इनवर्स जिसको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शंस कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहा जा रहा है इंजेक्टिव फंक्शंस, और यहां पर गलती से मिस प्रिंट हो गया है, मतलब कि गलती से लिख दिया है, ठीक ना, उसको आप सुधार लीजिए। यहां पर क्या होगा, वन वन फंक्शंस, ठीक है ना, वन वन फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस को वन वन कहते हैं, इंटू नहीं कहते, ठीक है ना। गलती से वहां पर इंटू लिख दिया है ना, एडिटर ने गलती किया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। तो आइए हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस यानी कि वन वन फंक्शंस को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए कहता है कि एफ सच डेट ए टू बी इज वन वन, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा समझते तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मेरा मान लीजिए सेट ए है, ये मेरा मान लीजिए सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना। अब हम यहां पर बात करेंगे किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज, किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज, किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज। जैसे आप अगर अपने आप को आईना में देखते हैं, आप अगर अपने आप को आईना में देखते हैं तो आपका एक ही इमेज बनता है, ठीक है ना। तो आपका और आपके इमेज यानी कि आईना में जो बना है ना, मिरर में जो बना, उसके साथ जो फंक्शंस बन रहा है, उनके साथ जो रिलेशन बन रहा है, उसी रिलेशन को हम लोग वन वन फंक्शंस कहेंगे, उसी फंक्शंस को हम लोग वन वन कहेंगे, एक के साथ एक। जैसे यहां पर समझिएगा क्या कहता है डेफिनेशन में, कि ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी, एक फंक्शन से कहां के बीच में, ए टू बी, ए से बी के बीच में है, वन वन। इसको हम लोग वन वन फंक्शन तभी कहेंगे इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहे, हाँ भाई है, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहे, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, मतलब हर एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज होना चाहिए, है ना, एक ही इमेज होना चाहिए, है ना, एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब इसका साफ साफ मतलब ये हो रहा है बाबू कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन ए, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन ए हैज एन यूनिक इमेज, हैज एन यूनिक इमेज। हैज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अकेला है, हैव तभी लगता है जब एक से अधिक होता है। तो यहां पर एक से अधिक सभी के सापेक्ष में बोला गया है, तो यहां पर क्या लिखा हूं मैं, एफ सच डेट ए टू बी इज वन वन, ए से बी के बीच में वन वन फंक्शंस बन रहा है इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, यदि ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ए के ढेर सारे जो एलिमेंट्स है उन सभी के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिले, तब जाकर के ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शंस कहते हैं। सर एक एग्जांपल दिखा दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान लीजिए, और यहां पर हम मान लेते हैं ए बराबर नेचुरल नंबर है, यहां पर वन ले लीजिए, यहां पर टू ले लीजिए, यहां पर थ्री ले लीजिए। यहां पर आप वन पुट करोगे वन मिलेगा, यहां पर टू पुट करोगे टू मिलेगा,
थ्री पुट करोगे थ्री मिलेगा। तो आपने देखा ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन किस प्रकार का है, वन वन फंक्शन है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी, दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। मतलब वन का इमेज वन है, टू का इमेज टू है, थ्री का इमेज थ्री है, यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं कि वन का इमेज वन भी है, वन का इमेज टू भी है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, टू का इमेज वन नहीं है यहाँ पर, टू का इमेज टू है, टू का इमेज अगर वन होता तब तो वो फंक्शन नहीं होता, तब तो वो रिलेशन होता। आई होप आपको फंक्शन तो समझ में आती ही होगी कि फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, वन है, टू है, थ्री है, अगर एक यहां से एक तीर निकल रहा है, मतलब वन का इमेज वन, टू का इमेज हो सकता है फोर हो, थ्री का इमेज हो सकता है सिक्स हो, तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि यहां से दो तीर निकल जाए तब तो इसको फंक्शंस नहीं कहते, तब इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं बाबू, ठीक है ना। ये सब तो चीज आपको मालूम होगा, इसको रिलेशन कहते हैं, इसको तो फंक्शंस नहीं कहेंगे। एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक एलिमेंट एक सेट के एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए, समझ रहे ना, तभी इसको फंक्शंस कहते हैं। और अगर दो तीर निकल जाएगा तब इसको फंक्शंस नहीं कहेंगे, इसको रिलेशन कहेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी यहां पर क्या मैं बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन वन वन तभी होगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, अगर ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग इमेजेस रहे, तब जाकर के किसी फंक्शन को वन वन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये ए है, ये बी है, इसके इसके बीच में डिफाइंड एफ फंक्शन है, ठीक है। यहां पर कहता है क्या कि x1 और x2 दोनों बराबर होने चाहिए, मान बराबर नहीं होने चाहिए, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ऐसे है। तो मान लीजिए x1 बराबर मेरा है टू और x2 बराबर क्या है मेरा थ्री है, ऐसा मान लीजिए। तो x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, बराबर है क्या, नहीं ना, दो और तीन आपस में बराबर है। मान लीजिए ये जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, जो भी नंबर्स रहते हैं, वे तो आपस में बराबर होते नहीं है। अच्छा, तो x1 और x2 बराबर नहीं है किसके लिए, तो x1 x2 बिलोंग्स टू ए, x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए। अच्छा, हम ए से ले रहे हैं, तो उस केस में जब x1 x2 बराबर नहीं है, तो उस केस में मान लेते हैं कि ये वन वन ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वन देंगे तो वन मिलेगा। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स है, वन देंगे तो वन मिलेगा, टू देंगे तो टू मिलेगा, थ्री देंगे तो थ्री मिलेगा, फोर देंगे तो फोर मिलेगा। तो उस केस में आपका एफ टू मतलब टू का इमेज क्या हो रहा है, टू ही बन रहा है। वन का इमेज क्या आ रहा है, वन ही मिल रहा है। थ्री का इमेज क्या मिल रहा है, थ्री ही मिल रहा है। फोर का इमेज क्या मिल रहा है, फोर का इमेज क्या मिल रहा है, तो एफ फोर मिल रहा है ना, फोर का इमेज एफ फोर मिल रहा है, या फिर थ्री का इमेज एफ थ्री मिल रहा है, या फिर थ्री कहिए, या फिर टू का इमेज टू ही मिल रहा है यानी कि एफ टू कहिए, या वन का इमेज वन मिल रहा है यानी कि एफ वन कहिए। तो उस केस में क्या हो रहा है, जब एलिमेंट्स आपके सेम नहीं है तो उस समय आपके इमेजेस भी सेम नहीं है। यही है डेफिनेशन इंजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन का। ये वन वन फंक्शन पढ़ा रहे, ठीक ना, हम बार बार बोल रहे हैं इसको वन वन फंक्शन कहिए, ठीक है। और यदि इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, यदि मेरे एलिमेंट्स बराबर होंगे तब तो मेरे इमेजेस भी बराबर होंगे। जैसे जैसे यहां वन है, यहां पर टू है, ठीक है, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं यहां पर एक्स वन है, यहां पर एक्स टू है, और यहां पर एफ एक्स वन है और यहां पर एफ एक्स टू है। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर है, तो उस केस में एफ एक्स वन और एफ एक्स टू भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो वही यहां पर लिखा हुआ है वन वन फंक्शंस का एक और डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज वन वन, इसको वन वन कहेंगे, इफ व्हेनेवर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन एक्स बराबर एक्स टू। मतलब यानी कि इमेजेस अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इमेजेस ही अगर सेम है, इसको इमेज कहते हैं, अगर इमेजेस ही सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट इसके एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे, समझ रहे हैं ना। अगर इमेजेस सही है, सेम है, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जो है एक्सपोजर कम कर देते हैं, ठीक है, अब सही है, ठीक। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होंगे, एक एलिमेंट सेम होंगे, और यदि एलिमेंट्स ही अलग है तो इमेजेस भी अलग होंगे, ठीक है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ वन वन का डेफिनेशन, ठीक है ना। आइए वन वन के डेफिनेशन को यहां पर और बारीकी से समझते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल के मदद से, ठीक है ना, एक और एग्जांपल के मदद से। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेना चाहूंगा,
एफ एक्स इक्वल्स टू है ना, मान के चलिए एक्स स्क्वायर मैं लेता हूं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूं, और यहां पर एक्स बिलोंग्स टू मैं क्या करता हूं, नेचुरल नंबर ले लेता हूं, है ना, नेचुरल नंबर ले लेता हूं। तो ऐसा अगर करता हूं कि यहां पर वन लेता हूं, यहां पर टू लेता हूं, यहां पर थ्री लेता हूं, यहां पर फोर लेता हूं, यहां पर फाइव लेता हूं, डॉट डॉट चलते रहेगा। तो अगर वन देंगे तो आपको वन मिलेगा, टू देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, थ्री देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, नाइन मिलेगा। तो देखिए यहां पर समझिएगा, और ये भी मान लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है, मतलब मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन होने जा रहा है, मेरा फंक्शन डिफाइन होने जा रहा है इस प्रकार से, देखिए f such that natural number to natural number, ऐसे मेरे functions defined है। और अभी मैं कह रहा हूं वन, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन, चलते रहेगा भाई मेरे, चलते रहेगा, डॉट 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 आगे चलते रहेगा, ठीक ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं वन देंगे तो वन मिलेगा, टू देंगे तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, थ्री देंगे थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। तो वन देंगे तो वन मिलेगा, ठीक है, टू देंगे तो फोर मिलेगा, ठीक है, थ्री देंगे तो नाइन मिलेगा, ठीक है, फोर देंगे तो क्या मिलेगा, सिक्सटीन मिलेगा, ठीक ना। मतलब इधर हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनने जा रहा है, इधर के हर एक एलिमेंट का इमेज है, इधर के सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या है, इमेज है सेट बी में, क्या इसको सेट बी कहते हैं ना, सेट बी, सेट जी बी है ना, सेट बी, और ये सेट ए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में यूनिक इमेज है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर पच्चीस, छह का स्क्वायर छत्तीस, सात का स्क्वायर उनचास, इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको वन वन तो कह देंगे बेशक, इसको वन वन, पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा, फिर छह का स्क्वायर छत्तीस हो जाएगा, मिल जाएगा, इसी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस नेचुरल नंबर है, और पच्चीस और छत्तीस ये सब जो है आ रहा है, ये सब नेचुरल नंबर ही है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी क्या है, लेकिन ये फंक्शन वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए फाइव, यहां पर एक फाइव एलिमेंट है, यहां पर एक सिक्स एलिमेंट है, यहां पर सेवन एलिमेंट है, यहां पर एट एलिमेंट है, यहां पर टू है, यहां पर थ्री है, ये सबका प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए सेट ए में, तभी इसको हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो ऑन टू तो है नहीं, है ना, लेकिन जरूर ये वन वन है, हर एक एलिमेंट के, सेट ए के हर एक एलिमेंट का, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट देख रहे हैं, अलग अलग, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यूनिक इमेजेस एग्जिस्ट कर रहा है सेट बी में, इसी वजह से ये जो f फंक्शन है इसके इसके बीच में, a से b के बीच में, a टू b में, ये क्या है, वन वन फंक्शन है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको, समझिएगा, इधर इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, और इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन है ना, डोमेन, और ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, दोनों के बीच में डिफाइन है f फंक्शन। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करने लग जाए, हर एक एलिमेंट का है ना, बी के कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करने लग जाए, बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करने लग जाए, बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करने लग जाए, अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग एफ फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, है ना, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट कर जाए तो एफ फंक्शन को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कि ऐसा कोई एलिमेंट बी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, हम लोग इसको ऐसा भी घुमा कह सकते हैं। पहला क्या कह सकते हैं, पहला तो कह सकते हैं कि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी एफ फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि बी यानी कि कोडोमेन में ऐसा कोई है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब ऐसा कोई एक्स बी में बिलोंग ही नहीं करेगा कि उसका प्री इमेज ए सेट में बिलोंग ही ना करे, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए है ना, such that एफ एक्स इक्वल्स टू ए है ना, एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट बी में एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट ही नहीं करे, है ना, कहां, एफ such that ए टू बी की एफ एक्स इक्वल्स टू ए मिल जाए। मतलब समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा इस बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू, जैसे ये मेरा
सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, दोनों के बीच में एफ फंक्शन है, और हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए कहां पर, तो सेट ए में। सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर मिल जाए, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर सेट ए में मिल जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स मिलेगा ही नहीं कि उसका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट ना करे। इसका मतलब ए में एग्जिस्ट करेगा, इसको उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल, सुनिएगा फिर से एक बार। बी में, बी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि उसका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट ना करे। इसका मतलब करेगा, इसका मतलब बी में वैसा वैसा एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये जो उल्टा टाइप से बोले ना, यहीं से क्वेश्चन बनता आईआईटी जैम में, चाहे जेई मेंस में या एडवांस में, ठीक है ना, जो कह लीजिए। तो सब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया कि ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ऐसा फंक्शन एफ ए से बी में क्या कहलाएगा, तो ऑन टू कहलाएगा इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। मतलब हर एक बी जो कि बी से बिलोंग कर रहा है, हर एक बी जो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, उसके क्रॉस्पॉन्डिंग, उसके संगत, देयर एग्जिस्ट, अस्तित्व में आएगा स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हर एक बी के क्रॉस्पॉन्डिंग एक स्मॉल ए मिलेगा, हर एक बी के क्रॉस्पॉन्डिंग एक स्मॉल ए मिलेगा, हर एक बी के क्रॉस्पॉन्डिंग एक स्मॉल ए मिलेगा, और हर एक बी कैपिटल बी से होगा। अगर हर एक बी स्मॉल, हर एक स्मॉल बी कैपिटल बी से है, तो हर एक स्मॉल बी के क्रॉस्पॉन्डिंग एक कैपिटल स्मॉल ए मिलेगा जो कि कैपिटल ए से होगा। और इस प्रकार से कि एफ ए बराबर बी हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक ए का इमेज बी होगा और हर एक बी का प्री इमेज ए होगा। इसका मतलब तो यही होता है ना, ए का इमेज बी हो गया और बी का प्री इमेज ए हो गया, इसका मतलब तो यही होता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ को ए से बी में डिफाइन किया गया है, और इसी फंक्शन एफ को ऑन टू कहा जा रहा है। कब, इफ फॉर ऑल, यदि प्रत्येक बी, मतलब बी कैपिटल बी से कोई भी स्मॉल बी उठा लीजिए, हर एक बी के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करेगा स्मॉल ए, कहां से, कैपिटल ए में। सच डेट, इस प्रकार से कि हर एक ए का एक इमेज होगा बी, यानी कि हर एक बी का प्री इमेज ए हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ। तो इसी को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बार बार इसको रिकैप कीजिए। आइए आगे हम लोग और एक चीज देखते हैं। कुछ एग्जांपल है फिगर में, एफ सच डेट एन टू जेड, एन से जेड में, ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, एन से जेड में जो है कि फंक्शन डिफाइन किया गया। कैसा फंक्शन डिफाइन किया गया भाई मेरे, इसके इसके बीच में एक एफ फंक्शन डिफाइन किया गया। तो एफ फंक्शन डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर से जेड इंटीजर के बीच में, और आपको रूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, रूल दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब रूल क्या दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अब पूछता है आपसे क्वेश्चन में, इज एफ इज वन वन फंक्शन, आपसे पूछ रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो वन वन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे, देखिए कैसे, वन का इमेज वन ही हो गया, टू का इमेज टू का स्क्वायर फोर, फिर थ्री का इमेज नाइन हो जाएगा, फिर फोर का इमेज सिक्सटीन हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक एलिमेंट का क्या है, इधर इमेज है, यानी कि, लेकिन जीरो का प्री इमेज कहीं यहां पर है, नहीं है। माइनस वन का कोई यहां पर प्री इमेज हो सकता है, नहीं। अच्छा, माइनस थ्री का कोई इमेज हो सकता है, प्री इमेज हो सकता है, नहीं। अच्छा, वन का इमेज है, टू का इमेज है, थ्री का इमेज हो जाएगा, फोर का इमेज हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइनटीन नाइन, फाइव का स्क्वायर पच्चीस, छह का स्क्वायर छत्तीस। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी वजह से ये वन वन तो है हर एक एलिमेंट का, ए के हर एक एलिमेंट का, हर एक ए के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है बी में। इसी वजह से ये जो इसके इसके बीच जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इसी वजह से वन वन फंक्शन है। लेकिन बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि माइनस थ्री का प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस टू का नहीं कर रहा, माइनस वन का नहीं कर रहा, ठीक ना। तो हेयर वी ऑब्जर्व, हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है ये, नेचुरल नंबर के सेट में हर एक एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट होता है। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट, हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि x1 और x2 बराबर नहीं है। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो नेचुरल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होता मेरे भाई, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए। तो x1 बराबर 2 मान लीजिए, x2 बराबर 3 मान लीजिए, और या फिर मान लीजिए x1 बराबर आप 5 मान लीजिए, x2 बराबर आप मान लीजिए 7 मान लीजिए। तो दो, कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे तो उस केस में उनके इमेजेस भी तो बराबर नहीं होंगे। लेकिन इसी चीज को हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा, और इसको अगर प्रूफ कर देंगे तो ये इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल कर जाएगा। देखिए
x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, कोई भी दो ले लीजिए एलिमेंट्स a के नेचुरल नंबर के, और आपका रूल दिया हुआ fx बराबर x square, तो x1 लिए तो fx1 बराबर x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, सिंस fx इक्वल टू x square, इसी वजह से। सिमिलरली अगर x2 लेंगे तो fx2 बराबर x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक बात को समझना है आपको विशेष, कि x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है सिंस, तो दिस इंप्लाइड दैट उसका स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा। मतलब ये है बाबू, समझिएगा, देखिए समझिएगा, अगर मान के चलिए वन और टू बराबर नहीं है, कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में बराबर नहीं है, तो उस केस में इसका स्क्वायर भी तो बराबर नहीं होगा। जैसे वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं। मतलब अगर कोई दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में उनके स्क्वायर भी बराबर नहीं होंगे। तो वही यहां पर कह रहा है कि एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, बट इसी वजह से दिस इंप्लाइड x1 का होल स्क्वायर और x2 का होल स्क्वायर बराबर नहीं है, इसके स्क्वायर भी बराबर नहीं है। और x1 का होल स्क्वायर क्या था, fx1, x2 का होल स्क्वायर क्या था, fx2, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। तो यही तो डेफिनेशन होता है ना 1-1 का, आप ये लेके चलते हैं और ये चीज दिखा देते हैं, या फिर आप ये चीज लेके चलते हैं इमेजेस को बराबर ले लेते हैं, और आप अगर ऐसा दिखा देते हैं x1 बराबर x2 तो भी क्या होता है, 1-1 होता है। और ऐसे भी ये भी एक प्रोसेस है, आप fx1 और fx2 को बराबर मान के चलते हैं और x1 और x2 एलिमेंट ही बराबर दिखा देते हैं, अगर इमेजेस बराबर होंगे तो एलिमेंट बराबर होंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो भी 1-1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर सब जगह 1-1-1-1-1-1 होता और इधर भी तब क्या होता, मान लीजिए 1-1-1-1-1 होता, तो वही बात है ना, एलिमेंट इधर भी सेम है और इमेजेस भी आपस में सेम है, तो इमेजेस सेम हो जाता है, एलिमेंट सेम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये एक तरीका हुआ, और ये एक तरीका हुआ कि मेरे एलिमेंट्स ही अलग अलग है, 1-2-3-4 अलग अलग है, तो हमने क्या दिखा दिया, हमने इमेजेस को अलग अलग दिखा दिया है ना, दोनों अलग अलग दिखा दिया, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, है ना। तो देयरफॉर एफ इज 1-1 फंक्शन / इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और यहां पर 1-1 सर्जेक्टिव फंक्शन यानी कि 1-2 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1-1 फंक्शन, ठीक है ना। चलिए तो ये मेरा क्या हो गया, 1-1 फंक्शन भी हो गया या इंजेक्टिव भी हो गया। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है 1-2 फंक्शन, मतलब बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए सेट में बिलोंग करना चाहिए। देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में, इज ऑन टू फंक्शंस, इसको ऑन टू फंक्शंस कहेंगे, इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब स्मॉल बी, बात को समझिएगा, यहां पर कहना चाहता है कि हर एक स्मॉल बी को अगर हम कैपिटल बी से उठा लेंगे, तो अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, हाँ ठीक है। आइए, कहता क्या है कि अगर हर एक स्मॉल बी को अगर हम कैपिटल बी से उठा लेंगे, देखिए कहता है कि ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज ऑन टू, एक फंक्शन एफ को हम लोग ए से बी में ऑन टू कहेंगे, इफ फॉर ऑल, यदि प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी, अगर कोई भी स्मॉल बी कैपिटल बी से उठा ले, यानी कि कोई भी एलिमेंट आप कैपिटल बी से उठा ले, तो देयर एग्जिस्ट, तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग अस्तित्व में आएगा एक स्मॉल ए आ जाएगा, इस कैपिटल बी के क्रॉस्पॉन्डिंग एक स्मॉल ए आ जाएगा, और इसी कैपिटल स्मॉल बी को हम लोग लिख सकते हैं एफ ए लिख सकते हैं, मतलब ए का इमेज बी हो गया और बी का प्री इमेज ए हो गया। तो अगर हम कोई भी स्मॉल बी उठा लेते हैं कैपिटल बी से, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, है ना, अस्तित्व में आ जाएगा एक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में आ जाएगा, सच दैट एफ ए बराबर बी हो जाएगा। एफ ए बराबर बी का कहने का मतलब ये होता है कि ए का इमेज बी हो गया, ठीक है। तो दैट इज देयर इज प्री इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि बी के कोई भी एलिमेंट आप उठा ले, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कहां एग्जिस्ट कर जाएगा, ए में एग्जिस्ट कर जाएगा, कैपिटल ए में एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ रहे ना, समझ में आ रहा कि नहीं। देयर इज प्री इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कैपिटल ए में आ जाएगा। दैट इज रेंज ऑफ एफ, मतलब यहां पर यह भी समझिएगा, जिसके साथ मतलब कि मैपिंग होता है, जैसे 1 का इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज 2 हो गया, 3 का इमेज 3 हो गया, यहां पर भी कोई एलिमेंट होता वो भी हो जाता है ना, उसका भी इमेज हो जाता 0, ऐसा अगर होता तो रेंज क्या हो जाता, रेंज क्या हो जाता इस बी का, तो रेंज हो जाता 0 1 2 3 डॉट डॉट सब होता है ना, 0 1 2 3 4 सब हो जाता,
तो इस केस में रेंज किसके बराबर हो जाता है, कोडोमेन के, बी को पूरा को, बी को पूरे बी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और रेंज और कोडोमेन जब आपस में बराबर हो जाए ना बाबू, तभी उसको हम लोग ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। जरा समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा बातों को, यहां पर लिख के समझाते हैं। देखिएगा, देखिए देखिए, यहां पर 1 2 3 तीन एलिमेंट, यहां पर भी मान लीजिए ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। तो 1 का मैपिंग हो रहा है बी के साथ, 2 1 का मैपिंग हो रहा है ए के साथ, 2 का मैपिंग हो रहा है बी के साथ, 3 का मैपिंग हो रहा है सी के साथ। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, इसके इसके बीच में एफ है मान लीजिए, तो रेंज ऑफ एफ आपका हो जाएगा ए बी और सी हो जाता, समझे ना। और कोडोमेन क्या हो जाता, तो कोडोमेन भी एबीसी है, तो कोडोमेन भी एबीसी है। तो अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए तो भी हमको उस, हम उसको क्या कहते हैं, उस फंक्शन को वन ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शंस कहते हैं, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहां पर आप देखिए, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 4 है, आगे 5 का इमेज 5 हो जाएगा, 6 का इमेज 6 हो जाएगा, 7 का इमेज 7 हो जाएगा। लेकिन क्या 0 का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी 0 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इमेज 0 हो जाए, मतलब यहां पर कोई भी एक इस कैपिटल ए में कोई भी इमेज एग्जिस्ट, कैपिटल ए में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इमेज 0 हो जाए, नहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से ये एफ जो है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहां पर जो एफ डिफाइंड है, यहां पर जो एफ डिफाइंड है, यहां पर जो एफ डिफाइंड है वो ऑन टू फंक्शंस नहीं है, क्योंकि जीरो एक ऐसा एलिमेंट है कैपिटल बी के अंदर जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर कैपिटल ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 0 हो जाए, ठीक है। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, कोई फंक्शन एफ को हम लोग ए से बी में ऑन टू कहेंगे इफ फॉर ऑल स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, अगर कोई भी एलिमेंट बी से स्मॉल बी के लाइक उठा ले, तरह उठा ले, स्मॉल कैपिटल बी से कोई भी स्मॉल बी टाइप का एलिमेंट उठा ले, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग, देयर क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक स्मॉल ए मिल जाना चाहिए कैपिटल ए के अंदर, इस प्रकार से कि एफ ए बराबर बी हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज इधर हो जाए, तभी तो कह पाएंगे कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इधर हो रहा है। देयर इज प्री इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है ना किसमें हो जाएगा, ए में हो जाएगा, मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट का अगर प्री इमेज ए में हो जाए तब उस फंक्शन को एफ को वन ऑन टू कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑन टू। यानी कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन अगर आपस में बराबर हो जाए, यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो रहा, कोडोमेन 0 1 2 3 4 डॉट डॉट चल रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेंज ओनली हो रहा है नेचुरल नंबर, रेंज नेचुरल नंबर हो रहा है, लेकिन जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर यूनियन 0 हो रहा है ना, 0 हो रहा है यानी कि होल नंबर हो रहा है ना, आपको मालूम है ये होल नंबर हो रहा है, कोडोमेन होल नंबर हो रहा है, नेचुरल नंबर क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है। आपको मालूम है कि रेंज मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इसी वजह से रेंज और कोडोमेन यहां पर बराबर नहीं है। अगर मान के चलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तो हम लोग कहते कि ये ऑन टू फंक्शंस है, रेंज और कोडोमेन जहां बराबर हो जाएगा ऑन टू फंक्शंस होंगे। या इसी डेफिनेशन को जो अभी हमने पढ़ा सब्जेक्टिव फंक्शंस का, इसी डेफिनेशन को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फॉर जीरो बिलोंग्स टू बी, जीरो एक एलिमेंट है जो कि बी से एग्जिस्ट कर रहा है, बी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कि वो स्मॉल ए कैपिटल ए में हो, मतलब जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी एक ऐसा एलिमेंट कैपिटल ए में स्मॉल ए टाइप का नहीं मिल रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट, इस प्रकार से एफ ए बराबर जीरो, यानी कि ए का इमेज 0 हो जाए, या फिर इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 0 का प्री इमेज ए हो जाए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि 0 के क्रॉसपॉन्डिंग वो उसका प्री इमेज हो जाए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू बी, 0 तो बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 के क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी स्मॉल ए कैपिटल ए में नहीं मिल रहा है, है ना, जीरो क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी स्मॉल ए कैपिटल ए में नहीं मिल रहा है, यानी कि 0 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है कैपिटल ए में, इसी वजह से यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है 0 जिसका जो है कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये जो फंक्शन है यहां से यहां के बीच में, ए से बी के बीच में, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, भले ये 1 1 है इन ऑन टू नहीं हो सकता, है ना, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब बात करेंगे नॉट ऑन टू का, नॉट ऑन टू का अभी ना बात किए कि वैसा
फंक्शंस जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे वही तो क्या होता है, ऑन-टू फंक्शंस होता है। देखिए एक बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन दे दिए हैं और ऐसा क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेएम के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या दे देगा आपको, दे देगा, देखिए ऐसा देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको आईआईटी जेएम के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, दे देगा एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स। आप बोलेगा एक नंबर में एफ इज वन वन, फिर दूसरा में दे देगा एफ इज ऑन टू, फिर तीसरा में दे देगा एफ इज नॉट ऑन टू, फिर चौथा में दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है ऐसा दे देगा। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, मैंने बोला एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, चार ऑप्शन दे देगा एफ इज वन वन एफ इज नॉट ऑन टू एफ इज या फिर एफ इज ऑन टू एफ इज नॉट ऑन टू एफ इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, है ना। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे बताओ, बताओ बताओ, देखो समझाते हैं इस चीज को, हम इधर समझाते हैं जो ब्लैंक पीस था ना वहां पर समझाते हैं। देखो भाई यहां पर समझना है, मैंने क्या बोला क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेते हैं, एफ सच दैट आर से आर में रियल नंबर से रियल नंबर में होगा और एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और आपको बोल दिया ऑप्शन में क्या एफ इज वन वन, है ना, फिर बोल दिया एफ इज ऑन टू, फिर बोल दिया एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, फिर चौथा में बोल दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कैसे करोगे, है ना, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, और इसको लिख लो कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है, नन ऑफ दीज एफ इज नॉट ऑन टू एफ इज ऑन टू एफ इज वन वन, और आपको मैं बता दूं कि ये क्या होगा एफ इज ऑन टू होगा। चलिए इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, है ना, इस चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने क्या बोला एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स है और बोल दिया कि एफ सच दैट आर से आर पे है रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, डोमेन भी और कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसके इसके बीच में एफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और यहां से इसके एलिमेंट एक्स है, है ना, एक्स लेंगे तो क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा और एफ एक्स किसके बराबर है तो ई टू द पावर एक्स के बराबर है। आपको बात ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगा बाबू कि जो रियल नंबर होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, यहां पर भी वही होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। और आपको मालूम है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जीरो भी आता है, वन भी आता है, टू भी आता है, फिर माइनस वन भी आता है, माइनस टू भी आता है, डॉट 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 चलते रहता है, सेम इधर भी होगा। तो एक बात हमको बताइएगा मेरे बच्चे कि हम ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, कैसा करेंगे सर, कैसा करेंगे। तो हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम एफ वन लेंगे तो क्या मिलेगा, e का पावर वन आएगा और e का पावर वन का मतलब 2.7132 समथिंग होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आप टू लेंगे तो क्या मिलेगा, e का पावर टू होगा, इसी का जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अच्छा मतलब कुल मिलाकर के सर यहां पर समझिएगा, अगर देखिए यहां पर जीरो ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एफ जीरो पर ई टू द पावर जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना, वो वन होगा, ठीक है ना, जो कि यहां पर वन है, मतलब वन है, टू का भी इमेज मिल जाएगा, टू का भी प्री इमेज मिल जाएगा, सब तो मिल ही रहा है। लेकिन अब आप मेरा बात को सुनिएगा ध्यान से, माइनस वन, माइनस वन बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि इस रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग कैपिटल बी कह देते हैं और इसको हम लोग कैपिटल ए कह देते हैं, ये डोमेन है और वो कोडोमना है, कोडोमेन है, ठीक है ना, तो वो कोडोमना है और ये डोमेन है, ठीक ना। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि कोडोमना से माइनस वन लिए, कोडोमना से क्या लिए, माइनस वन लिए, माइनस वन बिलोंग्स टू बी, मतलब माइनस वन कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, और इस माइनस वन का क्या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, आप बताओ। यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि e एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है और e का माथे पर आप कुछ भी रख दीजिए, आम, इमली, शकरकंद, कुछ भी, आप नेगेटिव भी ले लीजिए, चलिए f का f x रियल नंबर है तो यहां पर माइनस वन तो होगा ही होगा, हाँ होगा, चलिए ले लीजिए, ठीक है ना, माइनस वन तो होगा ही होगा, ले लीजिए। अब e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन e, तो वन अपॉन e का मतलब क्या होगा, 2.71321 समथिंग होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, है ना, 2.7312 को डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। मतलब आप इधर से, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि एफ एक्स बराबर ई के माथे पर एक्स, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, समझ पाए, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब आप यहां से कोई ऐसा एलिमेंट भी चूज नहीं कर सकते हैं कि जिसका इमेज जीरो आ जाए,
यानी कि हाँ वन आ सकता है और वन से इधर सब चीज आ सकता है, वन के इधर सब चीज आ सकता है, जीरो भी नहीं आ सकता। तो यहां पर कंफर्म ये है कि माइनस वन के क्रॉस्पॉन्डिंग, माइनस वन तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, लेकिन इसके क्रॉस्पॉन्डिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा कि इसके क्रॉस्पॉन्डिंग कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एक्स नहीं मिलेगा, एक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सच डेट, सच डेट की एफ एक्स बराबर माइनस वन हो जाए, है ना। मतलब x का वैल्यू माइनस वन, मतलब एफ एक्स का, x का इमेज माइनस वन हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब माइनस वन का कोई भी प्री इमेज a में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी वजह से ये क्या है, ये नॉट ऑन टू फंक्शन है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते बहुत बढ़िया से बारीकी से। तो f सच डेट r से r पे डिफाइंड है भाई, r से r पे रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड, बहुत अच्छा। fx बराबर e के माथे पर x है, e के माथे पर x है, और आपको मालूम माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी रियल नंबर होता है, और माइनस वन बिलोंग करेगा, हाँ भाई रियल नंबर का ये कोडोमेन है तो माइनस वन तो यहां पर बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। माइनस वन तो बिलोंग कर रहा है, कहां पर, b में बिलोंग कर रहा है, इसको b कह रहे हैं इसको, और देयर डज नॉट एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू a, मतलब माइनस वन के क्रॉस्पॉन्डिंग, मतलब इधर a में, इस माइनस वन के क्रॉस्पॉन्डिंग इधर a में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, है ना। a बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल a, मतलब माइनस वन बिलोंग्स टू b, हाँ माइनस वन बिलोंग करेगा b में, बहुत अच्छा, लेकिन उसके क्रॉस्पॉन्डिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू कैपिटल a, मतलब इसके क्रॉस्पॉन्डिंग स्मॉल a नहीं बिलोंग करेगा कैपिटल a में, सच डेट इस प्रकार से कि f a बराबर माइनस वन हो जाए, मतलब इधर कोई भी, मतलब बाबू इधर कोई भी a नहीं मिलेगा, इधर ऐसा कोई भी a नहीं मिलेगा कि जिसका इमेज क्या हो जाए, माइनस वन हो जाए, जिसका इमेज माइनस वन हो जाए, इधर कोई ऐसा a नहीं मिलेगा, है ना। ये कैपिटल a है, कैपिटल a में कोई ऐसा a नहीं मिलेगा कि जिसका इमेज माइनस वन हो जाए, नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि e टू द पावर x खुद एक पॉजिटिव फंक्शन है ना, पॉजिटिव फंक्शन है। आ रहा समझ में बातें, ठीक है ना। और आप यहां पर एक और चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मेरा जो रेंज हो रहा है, मेरा रेंज क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो तो मान लीजिए एक एफ जीरो पर ई टू द पावर जीरो होगा, ई टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो वन से ही स्टार्ट हो रहा है ना, जीरो तो मिल ही नहीं रहा, जीरो तो नसीब ही नहीं हो रहा है, जीरो से बड़ा ही मिल रहा है। अब मान के चलिए एफ वन पर, एफ माइनस वन पर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन ई टू द पावर प्लस वन, और वन अपॉन 2.713 12, मतलब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2, मतलब कुछ 0 point something आएगा, है ना, 0 point something आएगा ना जी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो फिर दिखा देते। 1/2 करेंगे तो 1/2 करने पर क्या आता है, 0.5 आता है, 1/2.7312 करेंगे तो और भी 0 point something ही आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो रहा है बाबू कि जीरो से थोड़ा बड़ा आ रहा है, जीरो से थोड़ा बड़ा आ रहा है, रेंज जो आ रहा है जीरो से थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो ऐसा लिख देंगे जीरो तो नहीं आ रहा तो जीरो नहीं लेंगे, जीरो एक्सक्लूड है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में इसका रेंज होगा, और कोडोमेन कहां से कहां तक है, तो कोडोमेन है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये रेंज हो गया, रेंज ऑफ एफ, और ये कोडोमेन ऑफ एफ, है ना। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होता तब फिर तो क्या होता, ऑन टू होता, तो वही बराबर नहीं है। तो रेंज ऑफ एफ एंड कोडोमेन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और यहां पर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये हम लोग समझ गए कि एफ इज नॉट ऑन टू, एफ तो ऑन टू नहीं है, लेकिन एफ वन वन है, इस चीज को प्रूफ करेंगे। एक्स वन और एक्स टू कोई दो एलिमेंट अगर यहां से लेंगे रियल नंबर से, आपको मालूम है रियल नंबर कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए वो आपस में कभी बराबर नहीं होता, जैसे 2.7132 ले लीजिए, इसके बाद 2.7132111111 बहुत क्लोज हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। जैसे और एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, 9.9999999 ले लीजिए, और एक ले लीजिए 9.9999999999, फिर वन ले लीजिए, दोनों बहुत क्लोज हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है ना, कोई भी दो रियल नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकता, ये तो नोट कर लीजिए। या कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी कुछ भी नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी नंबर आपस में बराबर तो नहीं होता है, इसी वजह से मैंने लिखा कि ये तो रियल नंबर का डोमेन है, तो रियल नंबर में एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर बराबर नहीं होगा। तो अगर रियल नंबर नहीं बराबर होगा तो उसका ई का पावर एक्स वन भी और ई का पावर एक्स टू भी बराबर नहीं होगा। और आपको मालूम है कि e का पावर x1 क्या है, देखिए fx बराबर e टू द पावर x है ना,
तो e टू द पावर x1 क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा, और यहाँ पर e टू द पावर x2 क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा, ठीक है, fx2 हो जाएगा, क्योंकि सिंस fx1 और e के पावर x है। तो हमने लेके चला x1 और x2 बराबर नहीं है और दिखा दिया कि fx1 और fx2 बराबर नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट लेके चला बराबर नहीं है और दिखा दिया इमेज बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति कहते हैं कि f इज 1-1, है ना, इसको 1-1 कहते हैं। अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेज भी सेम नहीं होगा, और अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होगा, इसको 1-1 कहते हैं। तो दो तरीके हैं 1-1 प्रूफ करने का, तो मैंने एक तरीका लगा दिया यही सेम जो अभी लगाया, ठीक है। क्या लेके चला हमने, हमने सेट ए का एलिमेंट को बराबर लेके नहीं चला, बराबर लेके नहीं चला और दिखा दिया कि वो उसका इमेज भी बराबर नहीं है, और इसके मदद से लिख सकते हैं हम लोग कि f इज नॉट, f इज 1-1 एंड f इज नॉट 1-2, f इज नॉट 1-2, तो समझ गए कि क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1-1 एंड 1-2, वैसा फंक्शन जो 1-1 भी है और 1-2 फंक्शन भी है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। जैसे 1-2-3 है, 1-2-3 1 का इमेज मिल रहा है, 2 का इमेज मिल रहा है, 3 का इमेज मिल रहा है, और इधर के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, 1-1 और 1-2 दोनों, ए फंक्शन विच इज बोथ 1-1 एंड 1-2 दोनों इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। कुछ एग्जांपल है आइडेंटिटी फंक्शन का, जैसे वो x का वैल्यू 1 देंगे, 1 मिलेगा, 2 देंगे, 2 मिलेगा, 3 देंगे, 3 मिलेगा, ठीक ना। तो f such that a to b such that fx equal to x where a बराबर 1-2-3, b बराबर भी 1-2-3, मतलब 1-1 और 1-2 फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेट का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, a का कार्डिनलिटी और b का कार्डिनलिटी बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग 1-1 एंड 1-2 फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं, कोई भी फंक्शन अगर 1-1 एंड 1-2 फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब वो इनवर्टिबल फंक्शन भी होता है। इस चीज को समझिएगा, ए फंक्शन f such that a to b, कोई फंक्शन f है जो कि a से b में है, इज सेड टू बी इनवर्टिबल। इसको इनवर्टिबल कहेंगे इफ, यदि f इज 1-1 एंड 1-2, अगर फंक्शन f 1-1 एंड 1-2 दोनों है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब f फंक्शन इनवर्टिबल भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है, दैट इज अगर f a से b में 1-1 एंड 1-2 है, तो उस केस में f इनवर्स मतलब f का इनवर्टिबल फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, किससे किसके बीच में, तो a से b, a b से a के बीच, उल्टा 1-1 एंड 1-2, समझिएगा बात को, समझिएगा, देखिए ध्यान से हम लिख के समझाते हैं। देखिए अगर a है, ये b है, तो a से b में अगर 1-1 एंड 1-2 है, 1-1 एंड 1-2 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट a has an unique elements, unique image in set B is called 1-1 function, और B के हर एक element का pre image exist करना चाहिए, it is 1-2 functions। अगर कोई function ये rule, दो rule को follow करता है, तो उस function को 1-1 and 1-2 functions कहते हैं, यानी कि bijective कहते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है कि यहां से यहां तक 1-1 है और and 1-2 है ना, मतलब यहां पर range और codomain बराबर है, तो 1-2, और हर एक element का unique image है, तो 1-1। तो इस स्थिति में इसके इसके बीच में भी, मतलब मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए fx बराबर x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दे रहे हैं, तो यहां पर ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ए नेचुरल नंबर, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तो 1 दिए तो 1 मिला, 2 दिए तो 2 मिला, 3 दिए 3 मिला, 4 दिए तो 4 मिला, इस प्रकार से। अगर ऐसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है 1-1 1-2 है, आइडेंटिटी फंक्शन 1-1 1-2 तो होता ही है, 1-1 एंड 1-2 होता ही है, तो उस केस में बी से अभी क्या हो रहा था कि f such that a से b के बीच में मेरा 1-1 एंड 1-2 हो रहा था, अब a से b में 1-1 1-2 हो रहा है, तो b से a में भी 1-1 1-2 होगा, ठीक ना, मतलब इधर इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, f इनवर्स बराबर भी, f इनवर्स x बराबर भी x होने लगेगा, मतलब अगर 3 दीजिएगा तो उसका इमेज 3 मिलेगा, देखिए ध्यान से, 3 देंगे ना तो उसका प्री इमेज 3 मिलेगा, 4 देंगे तो 4 का इमेज, 4 का प्री इमेज 4 मिलेगा, या फिर अगर हम इसमें इधर से इधर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, f इनवर्स को, तो क्या कहेंगे कि 4 का इमेज 4 हो रहा है, 3 का इमेज 3 हो रहा है, 2 का इमेज 2 हो रहा है, और अगर मान लीजिए यहां से यहां में डिफाइन किए a से b में, तो उस केस में कहेंगे 1 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 2 है, 3 का प्री इमेज 3 है, और अगर हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि f इनवर्स such that b से a के बीच में, तब कहेंगे क्या कि 4 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 3 है, जैसे यहां पर 3 डालिए 3 मिलेगा, 4 डालिए 4 मिलेगा, 7 डालिए 7 मिलेगा, 6 डालिए 6, समझ में आ रहा ना। तो ये बातें हैं, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1-1 एंड 1-2 फंक्शन है,
तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन भी होता है, है ना, यानी कि वहां पर इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। अगर वन वन एंड वन टू फंक्शन है तो वहां पर इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फंक्शंस पर गौर करेंगे। ठीक है ना, कोई फंक्शन एफ है ए से बी के में, है ना, ए से बी में है, ए टू बी, और बी टू दी पावर ए को कहेंगे सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए सेट से, है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चा, है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए सेट से, ये ए है और ये बी है, ए सेट से कितना फंक्शंस डिफाइन होगा ये हम लोग पता करेंगे, कि वन वन फंक्शंस कितना होगा, ऑन टू फंक्शंस कितना होगा, ये सब हम लोग बातें पता करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में कि फंक्शंस को काउंट करना सीखे, कि लेट ए एफ जो फंक्शन है ए से बी में और बी का पावर ए को कह रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है बी का पावर ए, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए फंक्शन ए सेट से बी सेट के बीच में कितना फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहां पर जनरली इस सेट में क्या रहेगा, तो एफ टाइप का फंक्शंस रहेगा, सच डेट इस प्रकार से कि वो जो एफ फंक्शंस होगा वो ए से बी में डिफाइंड होगा। ठीक है ना, और ए का कार्डिनलिटी एम है, मतलब सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए, है ना, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए कहता हूं कि पहले उन वीडियोस को देखिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी के बीच कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस यानी कि कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, है ना, ये सब चीजें के चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए से बी में, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, बी के माथे पर ए का कार्डिनलिटी, मतलब अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ए से बी के बीच में, तो आप बी का माथे पर जो ए है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उनका कार्डिनलिटी लेकर के आ जाओ, मतलब बी के पावर ए में, मतलब सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी में कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने फंक्शंस है, वो फंक्शंस का ही कार्डिनलिटी निकाल दो, मतलब बी के माथे पर ए जो है उसी का कार्डिनलिटी निकाल दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे। या फिर इसको शॉर्टकट एक तरीका और है कि आप पहले बी का कार्डिनलिटी निकालो और फिर ए का कार्डिनलिटी निकालो और उसका पावर कर दो, देखो एन का पावर एम, तो ऐसे भी आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस प्राप्त कर सकते हो, पता चल जाएगा कि सब मिला करके, जैसे वन वन फंक्शंस कितना है, ऑन टू कितना है, है ना, इन टू कितना, सब पता चल जाएगा एक बार, इकट्ठा ही पता चल जाएगा। ठीक ना, और अगर अलग अलग पता करना हो तो वन वन केटो है, ऑन टू केटो है, इन टू कितना है, सर्जेक्टिव कितना है, ये सब। चल इस सब के लिए आगे हम एक और फॉर्मूला बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में, जरा देखिए मैं बना करके बताता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, आ जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में है ना, कितना वन वन फंक्शन है, केटो वन वन फंक्शन है, मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसका इसमें ये ए है और ये बी है, एक और ये दो, और यहां पर मान लेते ए है और ये बी है, तो ध्यान दीजिएगा पहला फंक्शन ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये वन वन फंक्शन, पहला ऐसा फंक्शन हो सकता है, ये एफ वन फंक्शन हो सकता है, एफ वन ऐसा, फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि एफ टू फंक्शन होगा, इसमें क्या होगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, मतलब देख सकते हैं वन का इमेज ए हो गया, टू का इमेज बी, अब उल्टा हो जाएगा, टू का इमेज ए हो जाएगा, वन का इमेज बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर यहां पर कहता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन, तो अभी आप देख सकते एम और एन आपस में बराबर है, ये स्थिति बन रहा है, देखिए ए का कार्डिनलिटी कितना है दो, बी का कार्डिनलिटी कितना है दो, है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, n के जगह पर क्या हो जाएगा, b का कार्डिनलिटी, यानी कि n बराबर टू और m बराबर भी यहां पर टू, तो b का कार्डिनलिटी को हम लोग n कहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2c2 और m का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, तो 2c2 का मतलब 1 और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, कितना 2 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हैं, तो दो है, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो यही चीज यहां पर समझाना चाह रहे थे। अगर बाय द वे ऐसा हो जाए, देखिए अगर बाय द वे ऐसा हो जाए, ध्यान से,
बी का कार्डिनलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, बी का कार्डिनलिटी को हम लोग एन लिखते हैं और ए का कार्डिनलिटी को हम एम लिखते हैं। बोलता है कि एन बड़ा हो जाए, जैसे कि यहां पर ऐसा मान लेते हैं ए बी सी डी और यहां पर वन और टू ही है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का बात कर रहा है, तो वन वन फंक्शन क्या होगा, अच्छा एम बड़ा हो जाए ना, ऐसा है, अच्छा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एम ज्यादा हो जाए, एम ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, एम का मान ज्यादा हो जाए तो यानी कि इस ए का कार्डिनलिटी ज्यादा हो जाए और एन का कार्डिनलिटी घट जाए, तो उस केस में वन वन फंक्शन जीरो होगा। कैसे सर? तो आपने वन वन फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी। तो मान के चलिए वन का इमेज ए हो जाए, टू का इमेज बी हो जाए, थ्री का मिल जाए, फोर का मिल जाए और फाइव का ना मिले, क्योंकि उधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर कैसे उसका इमेज बनने जाएगा, तो फाइव का इमेज नहीं मिलेगा, सिक्स का इमेज नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या पता है वन वन का डेफिनेशन, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो यहां पर फाइव ईच एंड एवरी एलिमेंट के ही अंतर्गत आता है, पांच और छह डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इंटरेस्टिंग एलिमेंट के जो है कि इमेजेस ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वन वन नहीं है। तो वही कहता है कि अगर एम ज्यादा हो जाए और एन कम हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में वन वन फंक्शन शून्य हो जाएगा, मतलब फिर वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी ज्यादा हो और एम कम हो, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन और एम आपस में बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा, इस प्रकार से आप वन वन फंक्शंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है, इधर n कार्डिनलिटी होता है b का और इधर m कार्डिनलिटी होता है a का, तो अगर n ज्यादा भी हो जाए, इक्वल वाला तो अभी बता दिए, अगर ज्यादा भी हो जाए जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा रहे और इधर a रहे b रहे दो ही रहे, तो n का कार्डिनलिटी ज्यादा है और a का कम है, तो उस केस में भी इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस निकाल सकते हैं a टू b में। आइए फिर आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन ऑन टू है ना, ऑन टू तो जानते हैं कि बी में हर एक एलिमेंट का, बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए, इसी को ऑन टू कहते हैं। अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर ऐसा हो जाए, ठीक ना, एन को हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ बी पढ़ रहे हैं और एम को हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्यों, ध्यान दीजिएगा क्यों, अगर ये मान लेते ए बी सी डी ऐसा रहे, ठीक है ना, और यहां पर वन और टू ही रहे, तो हम यहां पर ये समझाना चाह रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ये एन है, ये बी का है और ये ए का कार्डिनलिटी एम है, तो अगर बी का कार्डिनलिटी ज्यादा है तो फिर वो वहां पर ऑन टू फंक्शन जीरो होगा, क्योंकि मान के चलिए ए का प्री इमेज ये हो जाए, बी का प्री इमेज ये हो जाए और सी का प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डी का ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में ऑन टू तो होगा ही नहीं, तो ऑन टू फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये जीरो, इसलिए जीरो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर मान के चलिए एम और एन बराबर हो जाए, एम और एन बराबर हो जाए, खत्म होगी, एम और एन आपस में बराबर हो जाए, तो उस केस में आप ऑन टू फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, एन टू द पावर एम है ना, एन सी वन एन माइनस वन के पावर एम माइनस एन सी टू एन माइनस टू का पावर एम प्लस डॉट 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 माइनस वन के पावर एन एन माइनस एन माइनस वन का होल टू द पावर एम, ठीक है, ऐसा निकाल सकते हैं। या फिर इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, एन टू द पावर एम एन आर का पावर वन से लेकर के एन माइनस वन तक गया है, एन माइनस वन तक गया है, और माइनस वन के पावर आर प्लस वन है ना, माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा, आर प्लस वन, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, मतलब यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर nc1 है ना, ठीक है, यहां पर nc2 है ना, फिर डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर r प्लस वन हो जाएगा, जैसे यहां पर r का वैल्यू वन रखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो यहां पर देखिए प्लस है, फिर देखिए r का वैल्यू यहां पर टू रखिए, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर थ्री हो गया, तो माइनस वन के पावर थ्री, तो माइनस वन के पावर थ्री क्या होता है, माइनस थ्री, तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहां पर माइनस हो गया, ठीक है ना, फिर अगर आप यहां पर तीन रखेंगे, तीन और एक चार हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो यही चीज यहां पर समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यही चीज यहां पर समझाना चाह रहे हैं, मतलब ये तो एज इट इज है और यहां से समझिए माइनस है, माइनस है, ठीक है, और इस यहां पर देखिए यहां पर क्या प्लस है ना, तो देखिए माइनस वन के बाद आर प्लस वन, तो यहां पर वन, तो यहां पर वन रखिए, वन प्लस वन टू, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव है, फिर देखिए यहां पर टू रखिए, टू और वन थ्री, यहां पर नेगेटिव है, फिर देखिए यहां पर थ्री रखिए, थ्री और वन फोर, फोर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, तो फिर इसी प्रकार से चल रहा है, समझ रहे हैं ना, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और यदि n का वैल्यू कम हो जाए, m का वैल्यू ज्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए,
एन के, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऐसे निकालेंगे या फिर ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। एक बात आपको बता दे, जैसे कि यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा, तो अगर ए से बी के बीच में है ना, ए से बी के बीच में हमको टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस यानी कि वन वन ऑन टू निकालना है। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि बी का कार्डिनलिटी क्या है, एन है, और ए का कार्डिनलिटी क्या है, तो एम है। तो उस केस में बाइजेक्टिव के केस में आप सिर्फ एन का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस ए से बी के बीच में कितने हैं, आपको पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, पता चल जाएगा इसके इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हैं, पता चल जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आशा है आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, भले ही वीडियो लेक्चर लंबा तो हो गया है लेकिन आपको समझने लायक मैं बनाया हूं, हर एक चीज को मैं डील किया हूं। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, तो आप हमारे साथ ये सब मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं, जुड़ करके आप जो है कि हमारे कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात तो यूट्यूब पे फ्री है ही है ना, व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं एनी डाउट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग है, फेसबुक पे भी हम लोग है ना, तो ट्विटर पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, झारखंड मैथ जोन, हर जगह झारखंड मैथ जोन के नाम से ही हम लोग जाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हम लोग धनबाद और झारखंड में, धनबाद झारखंड में, झारखंड में आपको हर एक जगह, चाहे आप कोई भी हजारीबाग, टुंडी, पलामू, चतरा है ना, कोई भी जिला में आप क्यों ना हो, हमारा वहां पर एक ना एक जो है कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जरूर मौजूद रहेगा, ठीक है ना। हर एक कहीं से भी आप, दुमका, चतरा, कहीं का भी हो आप, वहां पर आपको एक एक जो है कि मिल ही जाएगा ऑफलाइन सेंटर्स। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 में, है ना। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो है कि आप लोग वीडियोस को वॉच करते रहिए और अपने जो ड्रीम को है ट्रू कीजिए, आईआईटी में जाने का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।